डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता होगा अभी हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से उसके अभ्यास वाले प्रश्न को कर रहे हैं। तो चलिए अभ्यास वाले जो प्रश्न को हम लोग कर रहे थे, उस अभ्यास वाले प्रश्न में हम लोगों ने 14 नंबर तक के किया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 लिखा जाए क्वेश्चन, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो लोग लिखा जाए क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए सवाल बोल रहा है 15 नंबर कि अवक्षेपण अभिक्रिया को बताना है, एक्सप्लेनेशन करना है, परिभाषित करना है और उसका उदाहरण देना है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें आपस में विलयन को अभिक्रिया कराया जाता है और प्रतिफल में एक ठोस प्राप्त होता है। आप समझ रहे ना, जैसे मान लिया कि एक द्रव के फॉर्म में रहेगा और बाद में वो ठोस के रूप का ले लेगा, यानी कि जैसे मान लिया कि जल से द्रव से ठोस का बनना, यानी कि बर्फ का बनना, वो एक सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक में वो लोग विलयन के रूप में रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रतिफल बनेगा एक ठोस का रूप धारण कर लेगा, तब हम ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण भी हम देंगे, फिलहाल इसका आंसर लिखा जाए। आंसर में लिखेंगे, जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तथा वह ठोस पदार्थ जल में अविलेय हो तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो चूंकि इसका उदाहरण भी देना था तो उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2 जब आपस में अभिक्रिया करता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये भी एक विलयन के रूप में है। किसके रूप में है? विलयन, जलीय विलयन। ये भी दोस्त विलयन के रूप में है, ताकि यहां पे अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ रहे ना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जो दो विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक ठोस का निर्माण करते हैं। और ठोस का निर्माण कौन करते हैं? तो BaSO4। ये एक बैरियम सल्फेट है जो एक ठोस बनता है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, और NaCl दो लगा दिए, संतुलित कर दिए, यहाँ पे ये बनता है विलयन के फॉर्म पे, जलीय विलयन का फॉर्म बनता है। तो कुल मिलाकर हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है,
यानी कि द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें से दो आपस में दो तत्व आयन का अदला बदली करके और अपना चेंज कर लेते हैं। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में अंतर क्या है? वैसी अभिक्रिया जो आपस में विलयन में अभिक्रिया करते हैं और प्रतिफल में एक ठोस का निर्माण होता है, और ये जो ठोस है ना ये पानी में नहीं घुलता है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल कर लिए अवक्षेपण अभिक्रिया का, ठीक है। तो ये हम लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 15 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 16 में लिखा जाए क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, पूर्ण विराम, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर आपको मतलब परिभाषा देना है किसका किसका। तो उसके नीचे सवाल है, वन में है उपचयन और टू में है अपचयन, ठीक है। पहला में है उपचयन और दूसरा में है अपचयन, ठीक है। तो 16 नंबर में उपचयन भी का भी परिभाषा देना है, आप चीजों को अच्छे से समझिए। 16 नंबर जो सवाल है, पहला और दूसरा, 16 का दो सवाल है, एक उपचयन है और दूसरा अपचयन है। उपचयन में क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ही सवाल को ऑक्सीजन के योग और ऑक्सीजन के ह्रास के आधार पर इसको परिभाषित करना है, पदों को व्याख्या करना है और दोनों का दो एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो हम इसके पहले भी उपचयन और अपचयन को किए हुए हैं, ठीक है, या फिर हम लोग जब बुक से पढ़ रहे थे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, वहां भी हम लोग पढ़े हुए हैं इन चीजों को, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का आप इसमें अलग अलग डेफिनेशन दे दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो उपचयन कहलाता है और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और इसका भी आप दो को उदाहरण दे दीजिएगा, इसका भी दो को उदाहरण दे दीजिएगा। इस तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन का आप खुद से व्याख्या कर देना है, यानी कि परिभाषित करके और दो दो एग्जाम्पल दोनों को दे देना है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि उपचयन और अपचयन एक दूसरे का मतलब, जिसमें उपचयन का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन योग हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन योग हो। तो आप दिखा दीजिएगा उपचयन अभिक्रिया का और अपचयन अभिक्रिया का दो दो एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये सवाल को खुद से करना है, इसका एग्जाम्पल भी देना है, किसमें किसको आप उपचयन कहते हैं, किसको अपचयन कहते हैं, और दोनों को दो दो एग्जाम्पल। तो इसको आप खुद से कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा जाए, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखा जाए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, पूर्ण विराम, इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना,
कि एक तत्व का नाम है एक्स, एक तत्व का नाम क्या है एक्स, आपको इसी एक्स के बारे में बताना है। हालांकि उसमें सवाल ये बोला है कि यह जो है ना भूरा रंग का है, किस रंग का है, भूरा रंग का है, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो यह एक यौगिक बनाता है उत्पाद में, और इस यौगिक का जो रंग होता है वो काला होता है। तो आपको जो है एक्स का मान निकालना है और इस यौगिक का नाम बताना है। देखो इसमें जो है ना क्या बोल रहे, सवाल अच्छे से समझो भाई, बोल रहे कि एक तत्व है एक्स। अब एक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं पता है, लेकिन एक्स के बारे में इतना पता है कि उसका रंग जो है, भूरा रंग का है, और जब उसको वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यहां गर्म लिख दे रहे, जब गर्म किया जाता है ना तो वो काला रंग का एक यौगिक बनाता है, और उस यौगिक का भी हमें नाम बताना है। समझ में आ रही है? तो यहां पे जो एक तत्व का नाम होता है वह कॉपर होता है, और कॉपर का रंग भूरा होता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहां बनाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और इसका जो रंग होता है वो काला रंग होता है। तो हमको सब कुछ पता चल गया कि एक तत्व का नाम क्या है, कॉपर, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, तत्व एक्स का नाम कॉपर है तथा इस तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड ब्रैकेट में CuO का निर्माण होता है, उसके नीचे लिखिएगा अर्थात Cu यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे गर्म कर रहे हैं, तो यहां पे जो बना रहा है वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसको संतुलित करने के लिए यहां पे 2 से गुना कर दिया, यहां पे 2 से गुना कर दिया। दोस्त ये जो होता है वो भूरा रंग होता है इसका, ठीक है, और ये वायु की उपस्थिति माने ऑक्सीजन, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। और दोस्तों इसका कैसा रंग होता है, तो इसका काला रंग होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हमें पूछ रहा था सवाल कि ऐसा तत्व का नाम बताना है जिसका रंग भूरा होता हो और जब उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तब वो काला रंग का यौगिक बनाता है, तो यौगिक का नाम हुआ कॉपर ऑक्साइड और तत्व का नाम हो गया कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 17 था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा जाए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, इसका आंसर लिखा जाए। हम जानते हैं कि
लोहे में संक्षारण के द्वारा जंग लग जाता है। हम जानते हैं कि लोहे में संक्षारण के द्वारा या दौरान लिख सकते हैं, जंग लग जाता है, जिसे बचाने हेतु हम लोहे को पेंट करते हैं। बचाने हेतु हम लोहे को पेंट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है कि आप लोहे को पेंट क्यों करते हैं। तो हम पहले पढ़े हैं ना संक्षारण का बेस्ट एग्जांपल क्या था, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगता है, तो जो लोहे में जंग लगता है वो किसके द्वारा लगता है, संक्षारण। क्योंकि संक्षारण कैसे होता है, संक्षारण जब उसको नमी के संपर्क में आता है तो कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड परत बना लेता है और जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो इससे बहुत उसको क्षति होता है, मतलब कि शक्ति घट जाता है, सिवाय इसके कि बड़े बड़े पुल बांध ढह जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर इस सवाल था कि हम लोग लोहे से बने वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपल वे में उसको जंग लगने से बचाने के लिए ही हम लोग पेंट करते हैं। ठीक है, संक्षारण के दौरान जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है लोहे में, उसको बचाने के लिए हम लोग लोहे को पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लिखा जाए क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। चलिए पहले सवाल समझ जाइए, जो भी हम लोग तेल या वसा युक्त पदार्थ जब हम लोग खाते हैं, तो जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ना, नाइट्रोजन से प्रभावित होता है। आखिर वो क्यों नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि कोई भी तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है, बहुत देर के बाद अगर आप हवा में, वैसे ही खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन ला देता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये बासी हो गया, ये खराब पदार्थ हो गया, खट्टा जैसा होने लगता है। तो कुल मिलाकर तेल से बनी वस्तु, वसा से बना पदार्थ जो है वो, उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। हमें भी पढ़े ना कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्यों भरा रहता है भाई, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि तेल से बना खाद्य पदार्थ को कुछ घंटों कुछ देर तक हवा में वैसे ही छोड़ देने से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे बचाने हेतु चिप्स की थैली में या फिर खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बोल रहा था कि आखिर नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आंसर लिखेंगे, उत्तर, चूंकि हम जानते हैं कि तेल से बने पदार्थों को कुछ घंटे बाद वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं लिखिएगा, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन कृत लिख दीजिएगा, ऑक्सीकृत वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण, ऑक्सीकृत हो जाने के कारण खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है
अथार उनके गंध और स्वाद में, अथार उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं, अतः परिवर्तन आ जाते हैं, अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज 20। ठीक है, 20 देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले लिखा जाए क्वेश्चन। निम्न पदों की वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ये सवाल है। निम्न पदों को वर्णन करें या कीजिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। पहला में देखिए सवाल है संक्षारण, ठीक है, और दूसरा में सवाल है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोग खुद ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन आप अलग अलग कर दीजिएगा। संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अब रहा बात एक एक एग्जाम्पल देने का, तो संक्षारण का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा लोहे में जंग लगना, ठीक है, और विकृत गंधिता के एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, ये विकृत गंधिता का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग पूरा का पूरा इस अभ्यास वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किए हैं, और ये जो छोड़े हुए हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बताया नहीं है, पहले बता चुके हैं, और वही डेफिनेशन आप यहाँ पे अलग अलग लिख लीजिएगा। पहला का संक्षारण का डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना, और इसका विकृत गंधिता का डेफिनेशन, और इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस का भरा जाना। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आने वाले अगले क्लास में हम लोग, चूंकि फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री का, तो अब की बार में हम लोग बायोलॉजी की एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।